हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं गोवा कार्निवल देखने के लिए, तो जल्दी चलिए देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं वहाँ पे। ऑलरेडी शाम के 4 बजे और हम लोग निकल चुके थे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो ये हम पहुँच चुके हैं गोवा कार्निवल। आप देख रहे होंगे कि कितना भीड़ जमा है, मतलब लिटरली पार्किंग के लिए भी जगह नहीं था। और यहाँ चालू हो चुका था कार्निवल, सब वन बाय वन जा रहे थे। ये सुगर गुड़ का कुछ बन रहा था तो वो हमें वो शो कर रहे थे। तो लेट्स सी और क्या क्या हम देख सकते हैं। बहुत टाइप के अलग अलग क्रिएटिविटी देखने को मिला, बहुत कुछ मैसेज देखने को मिला, गोवन डांस देखने को मिला और डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ये सब अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे थे। तो सारा कुछ हमने देखा और बहुत ज़्यादा हमको मज़ा भी आया। और आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली गोवा कार्निवल ये चीज़ हर जगह नहीं होता, ये सिर्फ गोवा में होता है और बाकी फॉरेन कंट्रीज में होता है। तो ये रहा डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, तो इतना अच्छा अच्छा उन लोगों ने क्रिएटिविटी करके मैसेज किया, आप पी के चलाओगे फिर आप। और यहाँ स्वाति पता नहीं सूरज के साथ क्या बहसबाजी चला रही है। तो मैं एक्सप्लोर कर रही थी कार्निवल और मजे ले रही थी साउंड के। और एक ना एक दिन तो मुझे पता था कि मुझे जूली मिलेगी कभी ना कभी गोवा में, क्योंकि मुझे पता है वो गोवा में रहती थी। एंड फाइनली ये वो दिन था जहाँ हम दोनों आज मिले। बहुत ज़्यादा क्राउड था सच बता रही हूँ, और धूप भी बहुत ही ज़्यादा थी। तो इंडियन नेवी फोर्स एंड गोवन पुलिस जो भी थे उन लोगों ने बहुत अच्छे से क्राउड को हैंडल किया और ज़रा सा भी मैस होने नहीं दिया। तो बस इस तरह से हमने एंजॉय किया गोवा कार्निवल। और आई होप कि जितना भी मैं आप लोगों के लिए क्लिप ले पाई, आपको भी मज़ा आया होगा, एक आइडिया आ गया होगा कि हमने वहाँ जा कर क्या क्या देखा है। वीडियो में इतना पता नहीं चल रहा होगा लेकिन ये बहुत ही बड़ा था और ये क्या मस्त था। असली में देखा जाए तो यहाँ से स्मोक निकल रहा था और बहुत मज़े आ रहे थे गाइस। देखिए कितना कुछ हमने देखा, ये वाइन फैक्ट्री, यहाँ से जो निकर वगैरह बनते हैं इस तरह से। तो ऑब्वियसली कार्निवल में हमने बहुत कुछ जानने को भी मिला और जो जो नए नए सॉन्ग्स थे हमने उसको भी बहुत एंजॉय किया। और ये बुलक कार्ट देखो, ये कैसे साउंड है, वो सबको मार रहा था ऐसे, मतलब ये बनाया गया है इस तरह से, लोगों ने इसको बनाया है। कोई
तो लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया ना, एंड आई अप्रिशिएट यू ऑल कि आप इतना लंबा रास्ता हम सबको एंटरटेन करने के लिए कंटिन्यू इस तरह से डांस कर रहे थे। एंड ऑब्वियसली यहाँ लोग टायर्ड भी हो जा रहे थे, लेकिन साल में एक बार आता है तो इस चीज़ को कोई मिस आउट नहीं करना चाहता। छोटे छोटे बच्चों ने भी पूरा कार्निवल रोड में इन लोगों ने ऐसे परफॉर्म किया था, और देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि सब अच्छे से डांस कर रहे थे, बिल्कुल भी एनर्जी लो नहीं। यहाँ हमको क्रिश्चियन कल्चर देखने को मिला, वेडिंग्स देखने को मिला, तो इस तरह से ये लोग भी फन एंजॉय कर रहे थे और बाकी सब थोड़े बहुत बस ऐसे ही हम लोगों ने देखा सब कुछ। तो आपने भी हमारे साथ गोवा कार्निवल एंजॉय किया। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर हमको भूख लगी थी तो हमने थोड़ा खाना खाया।